गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल ये बात किया था अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वहाँ पे हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। आज जो बेसिकली हम लोग बात करेंगे, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसकी बात करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब देखिए, मैंने आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस, जो जनरल बातें हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, वो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं एंड दैट शुड बी मेल एंड फीमेल ऑफ द सेम स्पीसीज, देन ओनली द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज पॉसिबल। इसमें गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं? गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके गैमेट के फॉर्मेशन के लिए मियोसिस एक डिवीजन होता है, तो वो केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होगा, तो मियोसिस इज इन्वॉल्व्ड। इसके अलावा मियोसिस जहां पे भी होगा वो वेरिएशन को कॉज करता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन विल बी आल्सो प्रेजेंट और नॉट, तो वेरिएशन इज आल्सो प्रेजेंट। सो दीज आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स विच विल बी प्रेजेंट इन टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और नॉट। अब यदि हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है एन ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो यदि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल पढ़ लेते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे, वी विल टॉक अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। किसकी बात करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्लांट के चार पार्ट होते हैं। प्लांट में चार पार्ट होते हैं, एक तो स्टेम होता है, एक रूट होता है, एक लीफ हो गया और एक फ्लावर होता है। यही चार पार्ट होते हैं बस। आप कहोगे फ्रूट भी होता है, तो फ्रूट जो होता है वो फ्लावर से ही डेवलप होता है, ठीक है? ऐसा कोई फ्रूट नहीं है दुनिया में जो बिना फ्लावर के डेवलप हो जाएगा, ठीक है? तो इसका सीधा सा मतलब है कि फ्लावर ही मॉडिफाई करता है फ्रूट में, वो अभी सब कुछ आपको मालूम चल जाएगा। अब बचे ये तीन पार्ट, तो ये तीन पार्ट जो है, स्टेम, रूट और लीफ, ये मैंने बताया आपको, ये वेजिटेटिव पार्ट है, ठीक है? हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। क्या इन्वॉल्व होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और जब हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है फ्लावर। तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है? तो फ्लावर क्या हो गया? रिप्रोडक्टिव प्लांट, पार्ट ऑफ प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट की जब बात करेंगे, तो उसमें हम किसकी बात करेंगे? केवल फ्लावर की बात करेंगे, इन तीन की बात नहीं करेंगे, ये वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, ठीक है? अब आपने एक फ्लावर देखा होगा, एक छोटा सा हम फ्लावर बनाएंगे, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि फ्लावर जो होता है वो क्या होता है और उसका इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या है। यदि आप एक फ्लावर देखें, फ्लावर जब हम कह रहे हैं, तो फ्लावर दो तरह के होते हैं, या तो वो यूनिसेक्सुअल होंगे या वो बाइसेक्सुअल होंगे। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल कहने का मतलब क्या है, समझिए? यूनि मतलब सिंगल और बाई मतलब टू, ये तो आप लोग भी जानते हैं। तो यूनिसेक्सुअल मतलब सिंगल सेक्स, मतलब या तो फ्लावर मेल फ्लावर होगा या फ्लावर फीमेल फ्लावर होगा। लेकिन यदि किसी फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही प्रेजेंट होगा, तो उस फ्लावर को हम कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर और कंप्लीट फ्लावर। इसे हम यूनिसेक्सुअल और इनकम्प्लीट फ्लावर भी कहते हैं। तो कंप्लीट फ्लावर किसे कहेंगे, इनकम्प्लीट फ्लावर किसे कहेंगे, समझ में आता है? तो हम यहां पर एक कंप्लीट फ्लावर की बात करेंगे। तो कंप्लीट फ्लावर यदि है, तो उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही प्रेजेंट होगा। तो यदि आप बोगेनविलिया का एक फूल काफी ज्यादा होता है, यदि उसमें देखोगे तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स, या अमरूद का भी फूल जो होता है उनमें भी देखना, इसी तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, ठीक है? और ये ऐसे नीचे आ रहा होता है और नीचे में, अब इसमें देखिए जो फ्लावर है,
फ्लावर के भी दो पार्ट होते हैं, जितने भी फ्लावर के पार्ट हैं उनको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट है, वेजिटेटिव पार्ट, और दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे आप कोई फ्लावर देखे होंगे तो जब फ्लावर बर्डेड कंडीशन में होता है, जब वो खिलने वाला होता है, तो देखना उसके नीचे में ऐसे ग्रीन ग्रीन सी कवरिंग सी होती है, जब फूल पूरी तरीके से खिल जाता है तो ग्रीन कवरिंग नीचे की तरफ फोल्ड हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं सेपल। उसे क्या कहते हैं? सेपल। और हर फूल के अंदर पंखुड़ियां होती है, ठीक है, उन पंखुड़ियों को कहते हैं पेटल। उन्हें क्या कहते हैं? पेटल। तो ये जो सेपल और पेटल हैं, दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ फ्लावर। तो ये एक्चुअली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, वेजिटेटिव पार्ट कभी भी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो सवाल ये है कि दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट, देन व्हाई दे आर प्रेजेंट इनटू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वो इसलिए होता है, दे डू नॉट पार्टिसिपेट एक्चुअली इनटू द रिप्रोडक्शन, बट दे हेल्प इन रिप्रोडक्शन। कैसे हेल्प करते हैं? जो सेपल्स होते हैं वो ब्राइट कलर के होते हैं, सेपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो पंखुड़ियां होती हैं वो ब्राइट कलर की होती हैं, और ब्राइट कलर के होने के कारण वो इंसेक्ट्स को, हनीबीज को, इनको अट्रैक्ट करती है, और इस कारण से पॉलिनेशन होता है, तब जाके वो फर्टिलाइज होती है। इसमें ये जो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं एंथर। इसे क्या कहते हैं? एंथर। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज फिलामेंट। तो एंथर और फिलामेंट दोनों मिलाकर इसे हम कलेक्टिवली कहते हैं स्टेमेन। इसे क्या कहते हैं? स्टेमेन। और जो स्टेमेन है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। वो क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज द एक्चुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और अनएक्चुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एक्चुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या? इसमें जो ये पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये स्वेलन सा दिखाई दे रहा है, सूजा हुआ, तो इसे हम कहते हैं स्टिग्मा। इसे क्या कहते हैं? स्टिग्मा। ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है स्टाइल, और ये जो स्वेलन दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं ओवरी। इसे क्या कहते हैं? ओवरी। और इन तीनों को मिलकर जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं कार्पेल। और कार्पेल जो है वो, कार्पेल क्या है? एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो यहां पे यदि आप आओ, अब तो फ्लावर की बात किया था मैंने, फ्लावर में मैंने आपको दो बातें बताई कि एक तो वेजिटेटिव पार्ट होता है और दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, एक वेजिटेटिव पार्ट होता है, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो जो वेजिटेटिव पार्ट होता है दे हेल्प इन रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोडक्शन में केवल मदद करता है, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है दे एक्चुअली पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन, दे एक्चुअली पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। ये हेल्प कर रहा है ये एक्चुअली। तो जो मेन हमें मतलब है वो किससे मतलब है, रिप्रोडक्टिव पार्ट से या वेजिटेटिव पार्ट से? रिप्रोडक्टिव पार्ट से। अब वेजिटेटिव पार्ट जो है वो दो होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं फ्लावर के अंदर, वो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, वन इज सेपल एंड अनदर इज पेटल। अब एक बात और बताता हूँ तुम्हारे लिए, जो मेडिकल में जाना चाहते हैं, जो नहीं मेडिकल में जाते हैं उसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। सेपल्स जो होते हैं वो कभी एक नहीं होते हैं, खूब सारे होते हैं, 5-7 होते हैं, तो उन्हें कलेक्टिवली हम कैलिक्स कहते हैं। ऐसी पंखुड़ियां एक नहीं होती हैं, पंखुड़ियां भी बहुत सारी होती हैं, तो पेटल्स भी बहुत सारे होते हैं, और उन्हें हम कहते हैं कोरोला। कैलिक्स एंड कोरोला कहो या सेपल एंड पेटल्स कहो, इनका काम होता है हेल्प इन रिप्रोडक्शन। दैट मीन्स दे अट्रैक्ट द रिप्रोडक्टिव एजेंट्स विच विल बी हेल्पिंग इन द रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये क्या काम करते, समझ में आ गया? तो ये एक्चुअली में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं रिप्रोडक्शन में। तो जो एक्चुअली में पार्टिसिपेट करता है रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट दो तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं?
दो तरह के, एक तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो जो प्लांट के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट के अंदर, उसे हम कहते हैं स्टेमेन। उसे क्या कहते हैं? स्टेमेन। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज व्हाट? स्टेमेन। ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, बता सकते हैं? जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें ऑफ प्लांट, तो उसे हम कहते हैं कार्पेल। क्या कहते हैं? कार्पेल और पिस्टिल, इसी का नाम कार्पेल और पिस्टिल है। तो जो स्टेमेन है, स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। स्टेमेन दो चीजों को कंसिस्ट करके बनता है, वन इज एंथर एंड अनदर इज फिलामेंट। जब मैंने अभी फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाया था तो आपको दिखाया था कि एंथर कौन सा होता है और फिलामेंट कौन सा होता है। यदि आपको मैंने बनाया भी तो उसमें मैंने दिखाया कि इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज एंथर, और ये जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये फिलामेंट। तो एक्चुअल में इन दोनों में भी जो एंथर है, इस पे मेल रिप्रोडक्टिव और मेल गैमेट मिलता है। मेल गैमेट्स इज फॉर्म्ड, कहां पे फॉर्म होता है मेल गैमेट? एंथर में। तो फिर ये फिलामेंट क्या करता है? फिलामेंट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एंथर। यदि आप देखो तो वो फ्लावर के बेस से अटैच है, वो क्या है? फ्लावर के बेस से अटैच होता है, तो यहां से न्यूट्रिशन आ रहा था, वो उसको एंथर तक पहुंचाएगा। ठीक है, अब फिलामेंट का काम क्या हुआ? प्रोवाइडिंग नरिशमेंट, प्रोवाइडिंग नरिशमेंट, प्रोवाइडिंग नरिशमेंट। अब यदि हम बात करते हैं कार्पेल का, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, वी विल टॉक अबाउट द कार्पेल और पिस्टिल। तो कार्पेल और पिस्टिल जो है, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और नॉट? ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, अब कार्पेल कितने चीजों को मिलकर बनता है? तो इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, मैंने आपको बताया स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसमें ओवरी जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यहीं पे फीमेल गैमेट फॉर्म होती है। कहां पे फॉर्म होती है? ओवरी में। फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, अब देखो मैंने कहा एंथर पे मेल गैमेट फॉर्म होता है, और जो प्लांट का मेल गैमेट होता है, प्लांट का मेल गैमेट, मेल गैमेट, उसे कहते हैं पोलन ग्रेन। क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन। ये आपको याद रखना है, द मेल गैमेट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज पोलन ग्रेन। जो एनिमल्स होते हैं उनके जो मेल गैमेट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्पर्म। ठीक है, अब जो फीमेल गैमेट होते हैं प्लांट के, सो दैट इज कॉल्ड एज एग और ओवा। तो प्लांट में भी हम फीमेल गैमेट्स को एग एंड ओवा कहते हैं, एनिमल्स में भी जो फीमेल गैमेट होता है उसे हम एग एंड ओवा ही कहते हैं। तो इससे याद करना आपको आसान हो जाएगा। अब फ्लावर क्या होता है, क्या उसका एक्चुअल स्टेटस होता है, कैसे ये कौन सा पार्ट पोलन ग्रेन को फॉर्म करता है, मेल गैमेट कौन सा है, मेल गैमेट को क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन। फीमेल गैमेट को क्या कहते हैं? एग और ओवा। एग और ओवा कहाँ प्रोड्यूस होता है? ओवरी में। पोलन ग्रेन कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? एंथर में। तो दिस वे यू कैन कवर व्हाट इज फ्लावर एंड हाउ इट इज फॉर्मिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स और नॉट। तो ये आपको अब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वी हैव स्टडीड till there, till this particular place, that about the flower which is the reproductive part of the plant, and how the different parts of the plant flower is responsible for forming the different things which are participating into the reproduction of the plant. So now we will be taking the next topic, and that is how the sexual reproduction take place, sexual reproduction प्लांट के अंदर किस तरीके से एक्चुअली में होता है, उसके बारे में बात करेंगे। अब एक बात बताओ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने कहा था
कि ये हमेशा इसमें फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट होता है। हमेशा क्या होता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज होता है और फ्यूज होने के बाद वो जायगोट बनेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ये होता है ना। यहां पर भी मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज करेगा, ठीक है। इसमें हमेशा याद रखना फीमेल गैमेट अपनी जगह पे रहता है, चाहे एनिमल हो या प्लांट हो, मेल गैमेट इज ट्रांसफर्ड टू द फीमेल गैमेट, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो पोलन प्लांट के अंदर जो पोलन ग्रेन्स हैं उसके पैर तो निकल के नहीं आ गए, ये नॉन मूवेबल होते हैं। ये क्या होते हैं, नॉन मूवेबल। तो इन पोलन ग्रेन्स को जो पोलन एजेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, पोलन एजेंट्स, ये ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर देम टू स्टिग्मा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये अपने आप चल के तो जाएंगे नहीं, तो इनको जो पोलन एजेंट करेंगे, मतलब बर्ड्स इंसेक्ट्स, तो ये क्या करते हैं, जब ये इंसेक्ट्स किसी फ्लावर पर बैठते हैं तो जो पोलन ग्रेन होते हैं उनके बॉडी में अटैच हो जाता है, और अटैच होने के बाद जब वो फिर दूसरे फ्लावर में जाते हैं तो वहाँ हिलेंगे डोलेंगे कि नहीं, तो जब हिलेंगे डोलेंगे तो उनके बॉडी से वो जो पोलन ग्रेन में चिपक गए थे वो गिरेंगे कि नहीं, और वो गिरा और यदि स्टिग्मा पे गिरा तो स्टिग्मा से होता हुआ वो एक तक पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता है। तो जो पोलन ग्रेन होते हैं वो पोलन एजेंट के थ्रू ट्रांसफर होते हैं किस पे, स्टिग्मा में, और इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस हो रहा है इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। इसे क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन यदि मुझे डिफाइन करना हो तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम, पोलन ग्रेन कहां पे बनता है, एंथर में, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज व्हाट, पॉलिनेशन। जब तक पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर नहीं होंगे, डू यू थिंक दैट फर्टिलाइजेशन कैन टेक प्लेस, नो। फॉर फर्टिलाइजेशन इट इज वेरी नेसेसरी दैट द पोलन ग्रेन हैज टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। तो पॉलिनेशन वो प्रोसेस होता है, द प्रोसेस बाई विच पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, द प्रोसेस बाई विच पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड पॉलिनेशन, इज कॉल्ड पॉलिनेशन। आ रहा है समझ में। अब एक बात बताओ, जो ये पॉलिनेशन होते हैं, ये पॉलिनेशन दो तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, दे आर ऑफ टू टाइप। अब एक होता है सेल पॉलिनेशन, एक क्या होता है, सेल पॉलिनेशन, और दूसरा होता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। वन इज सेल पॉलिनेशन एंड अदर इज क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे पॉलिनेशन की, और पॉलिनेशन में मैंने बताया था कि पॉलिनेशन दो तरह के होते हैं, सेल पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल पॉलिनेशन जब आप डिफाइन करेंगे तो इसका मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा विद इन द फ्लावर और बिटवीन द फ्लावर ऑफ सेम, बिटवीन द फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि यदि एक ही प्लांट पे दो फ्लावर हैं, ठीक है, तो वो जेनेटिकली सेम होते हैं, तो इसी में गिरे या इससे इसमें गिरे कोई फर्क नहीं है, एक ही जैसे हैं, ठीक है। तो यदि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन होता है विद इन मतलब सेम,
ठीक है, यदि इसका पोलन ग्रेन इसी में गिरता है एक फ्लावर के अंदर ही, दैट इज कॉल्ड विद इन, और बिटवीन द फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इससे इसमें ट्रांसफर हो रहा है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, सेल्फ पॉलिनेशन। जब हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा बिटवीन द फ्लावर ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स ऑफ सेम स्पीसीज, ठीक है, तो उसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्योंकि यदि दो अलग अलग तरह के प्लांट हैं तो उनमें थोड़ा या ज्यादा वेरिएशन होगा जरूर, क्योंकि वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, तो वो जेनेटिकली सेम नहीं होंगे। तो जैसे मान लीजिए एक प्लांट यहां है और इसका एक फ्लावर ये है, इसका फ्लावर एक ये है, एक फ्लावर यहां है, एक दूसरा इसी स्पीसीज का प्लांट का फ्लावर ये है। अब मान लीजिए यदि इसका पोलन ग्रेन इसी में गिरता है, ठीक है, या इसका पोलन ग्रेन इस वाले पे आके उसी प्लांट के फ्लावर में, तो दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन इसका यहां का पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके जब फॉल करता है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन ये दोनों क्या होते हैं, समझ में आ रहा है आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको, ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे इससे स्टॉप करेंगे। इसमें कोई डाउट हो तो आप जरूर बताना, और नहीं तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो फिर देखेंगे, ठीक है, थैंक यू।